हम लाइव है। ओके, वी गोइंग टू वेट फॉर अ व्हाइल। इफ समवन जॉइन अस, तो फिर जस्ट 1% भी समवन सीइंग अस, देन गोइंग टू स्टार्ट। या अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। सो क्योंकि अभी सारी हो चुकी है तो हमारी गुड मॉर्निंग हुई है अभी। एनीवेज, हाँ अस्सलाम वालेकुम अजमेर नौजवान, सैटरडे लाइव में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम नाहिद स्टार है और मेरा ताल्लुक अजमेर नौजवान से है। अजमेर नौजवान यूथ कैपेसिटी बिल्डिंग का एक प्लेटफॉर्म है जो कि कराची में इस वक्त काम कर रहे हैं, 8 ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। पिछले 3 साल से हम कराची के यूथ को उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, और हमारा मकसद ये है कि यूथ को एक प्रोडक्टिव सिटीजन बना सकें अपनी सोसाइटी का। इस हवाले से यूथ की सोशल, पर्सनल और प्रोफेशनल एस्पेक्ट पर ट्रेनिंग की जाती है। ट्रेनिंग जो ट्रेनर्स हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, उन्हें ना सिर्फ एक वो अपनी अपनी कैपेसिटी जो उनकी मौजूद है, इसके अलावा कि ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले उन्हें एक इंटेंसिव ट्रेनिंग से गुजारा जाता है, जिसमें वो नए टूल्स, नए लर्निंग्स के साथ हर साल अपने यूथ को ट्रेन करते हैं। इससे ना सिर्फ ये, बल्कि जो हमारे सेशन चल रहे होते हैं उसके दौरान भी हम ट्रेनर्स मीटअप के नाम से मुख्तलिफ सेशंस करते हैं, जिसमें वो ऑन द फील्ड जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको अपने पार्टनर ट्रेनर्स के साथ शेयर करते हैं और नई लर्निंग्स, नए टूल्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। सो इसी हवाले से हमारे साथ आज 3 गेस्ट मौजूद। आज हमारा सेशन एक्सप्रेशन थ्रू आर्ट के हवाले से है, यानी आर्ट को किस तरह से अपने ख्याल एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे टीम से सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगी तहमीना। तहमीना ट्रेनर फॉर विजुअल आर्ट। इसके बाद मुनीबुर रहमान होते हैं, ये तो ट्रेनर फॉर थिएटर, और उनके साथ वह है मौजूद नफीस खलफान। नफीस खलफान हमें हमारी यूथ को ट्रेनिंग देते हैं हाउ टू यूज म्यूजिक फॉर सोशल चेंज। सो खुश आमदीद दोस्तों हमारे प्रोग्राम में। हेलो, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्रोग्राम का जो, अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा मौजू है एक्सप्रेशन थ्रू आर्ट, तो मैं सबसे पहले आप लोगों से ये सवाल करना चाहूंगी कि आर्ट को किस तरह एक इंसान के अपने ख्यालात के एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तहमीना, थैंक यू नाहिद। नाहिद, आर्ट एक ऐसा टूल है मेरे मुताबिक, और जो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट हो, वो आपको आपके कॉन्शियस माइंड, आप कुछ काम तो कॉन्शियसली कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है, वो जो है वो आपको सामने लाने में आपकी मदद करते हैं। आर्ट में आपकी आपका जो सिलेक्शन होता है, जो काम आप कर रहे होते हैं, वो आपके आपके एहसासात, आपके जज्बात के बारे में बहुत कुछ कहता है। अगर हम उसे पढ़े तो एक सीरीज ऑफ पेंटिंग होती है जो मैं एक तरह की बना रही होती हूँ, तो वो कुछ मेरे बारे में बता रही होती है, मेरे मेरे जहन में जो बात चल रही होती है उसके बारे में बता रही होती है। तो आर्ट कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट हो, वो हेल्प करता है वो ऐसी बातें कहने के जो आप जबान से नहीं कह पाते, या आप जो है आम कॉन्शियसली अगर आप सेलेक्ट करो तो आपसे वो कहना मुश्किल होता है, तो आपके सब कॉन्शियस को एक्टिव कर देता है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। इसी सवाल को मैं मुनीब से करना चाहूंगी। मुनीब, हाउ यू सी दैट थिएटर कैन बी यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ? थैंक यू नाहिद। मैं तहमीना की बात को सेकंड करता हूँ, और मैं थिएटर के हवाले से बात करूँगा कि हमारी हकीकत जो है उसको हम बहुत महदूद हद तक उसको एक्सपीरियंस करते हैं।
हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे होते हैं, बहुत से ख्याल चल रहे होते हैं, बहुत से उलझनों में फंसे होते हैं, तो उन उन उससे हट के एक नए तरीके से अपने अपने एक्सपीरियंस को इमेजिन करना, उसको एक नए तरीके से देखना, उससे आप अपना पर्सपेक्टिव और आप अपना जाविया, आप अपनी हकीकत को एक्सपेंड कर रहे होते हैं, उसमें नए डायमेंशंस ला रहे होते हैं। तो थिएटर जो है, ख़ास करके अगर उसकी बात करें, तो थिएटर में बुनियादी तौर पर इस्तेमाल होता है ह्यूमन इंटरेक्शन का, इंसान इंसान का अंदरून और इंसान का बैरून। इंसान के अंदर क्या है, जैसे तहमीना ने कहा, सबकॉन्शियस माइंड, और इंसान के बैरून में क्या है, उसके इर्द गिर्द की हकीकत, उसके ताल्लुकात, उसका माशरा, उसकी सियासत, उसके समाजी मसाइल, माशी मसाइल। तो इन दोनों का जो इंटरेक्शन है, उसको एक नए तरीके से इमेजिन करने का एक एवेन्यू होता है थिएटर। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें, ताकि आप अपनी हकीकत को अपनी गिरफ्त में ही रखते हुए उसको एक नए तरीके से एक नई सिंक में लेकर जाने की सलाहियत रख सकें। बात तो नहीं की मैंने? नहीं, बिल्कुल पेचीदा बात नहीं की, और बड़ी हकीकत से करीब करीब। अच्छा नफीस, आपकी तरफ आते हैं, सवाल क्यों है, क्या आप इत्तेफाक करते हैं तहीना और मिलिप की बात से? ओके, थैंक यू सो मच नाहिद, और थैंक यू अजमे नौजवान, ये जो प्लेटफॉर्म की वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। एक्सप्रेशन थ्रू आर्ट में, अगर मैं म्यूजिक के हवाले से सिर्फ बात करूँ, तो ये हम बहुत ही शुरू से देखते हुए आए हैं कि म्यूजिक इज अ वेरी ईजीएस्ट सोर्स, जहाँ पे आप अपना मैसेज इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, इजीली आप कन्वे, आप इजीली सामने वाले को कर सकते हैं। उसमें ये है कि अगर आपने अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, आप अगर उधर फेस टू फेस नहीं भी हैं, तो भी आपका इजीली मैसेज कन्वे हो जाता है थ्रू आर्ट ऑफ म्यूजिक। उसमें अगर आप खास तौर पर देखें, अगर हम सॉन्ग्स की बात करें, तो लिरिक्स आपका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जहाँ पे आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट, अपना कोई भी मैसेज आप इजीली सामने वाले को कन्वे कर सकते हो। तो आई गेस आर्ट की फॉर्म में अगर हम स्पेसिफिकली म्यूजिक में जाएं, तो वो एक बहुत इजीएस्ट वे होता है, जहाँ अच्छा मैं यहाँ पर ना आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि ये जो आज जो हमारा तालीमी निज़ाम है, इसमें पिछले सेशन में हमारे दरमियान ये बात हो रही थी, और हमारे जो स्पीकर्स थे उन्होंने इस बात की तरफ इशारा भी दिया था कि हमारे जो तालीमी रस्मी तालीमी निज़ाम है, इसमें जो है क्रिएटिव और क्रिटिकल किस्म की थिंकिंग जो है, जिसे हम इस्तेमाल कर सकें अपने सराउंडिंग को समझने के लिए और फिर उसको एक्सप्रेस कर सकें क्रिएटिवली, ठीक है, उसका फुकदान है। क्या आप लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं? तहमीना? बिल्कुल, हमारा एजुकेशन, अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हमें बताया जाता है कि ये करो, हमें ऑप्शंस नहीं दिए जाते। मिसाल के तौर पे अगर मेरी ड्राइंग की क्लास भी है, तो मुझे बताया जाता है कि आपने बनाना ऐसे ही है जैसे आपको बताया गया है। तो हम बहुत हमारी क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट के क्लास में भी नर्चर नहीं हो पाती, इसके अलावा दूसरे जो सब्जेक्ट्स है जहाँ पर हो सकती है, जहाँ पर पोटेंशियल है, वहाँ पर भी हमें कुछ सोचने, हमें बताया जाता है कि ये फार्मूला ये याद कर लो, ये फार्मूला है, इसको ये कम्प्लीट, ये इस तरह से सॉल्व होगा, तो हमें बस उतना ही बताया जाता है। तो हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती, हम अपने स्टूडेंट्स को वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते कि वो जो है सवाल करें, और फिर उस सवाल के जवाब या अपनी इमेजिनेशन को ज़रा और वाइल्ड करें और उसके बियॉन्ड कुछ सोचने की कोशिश करें। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये एक लैकिंग है। अच्छा मैं यही सवाल जो है जिसका जवाब जो है मैं मुनीब और नफीस से भी सुनना चाहूंगी, क्या वो भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? तहमीना ने बताई अभी।
नहीं मैं इस बात जी 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 नफी साहब आप बोले कहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आर्ट्स का जो फॉर्म है उसको इतना प्रमोट कभी भी नहीं किया है, शुरू से मैंने देखा है और आज तक भी अप टू डेट ये ही है कि आपको कहीं भी स्कूल में आर्ट्स फॉर्म की कोई ऐसी डिग्री या कोई ऐसी चीज दिखती नहीं है जितनी साइंस मेडिकल की आपको दिखती है और शुरू से ही ये एक इमेज लगा दी है आर्ट्स के ऊपर कि यार उसको कुछ नहीं आता तो आर्ट्स करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम अगर उसको बहुत ओपनली देखें तो जितना इंजीनियरिंग मुश्किल है जितनी मेडिकल मुश्किल है उससे ज्यादा मुझे लगता है कि आर्ट्स जो है मुश्किल है, क्योंकि आर्ट्स के अंदर इतनी सारी वास्ट फील्ड्स हैं कि आप जब वंस एंटर होते हो तो आपको पता चलता है कि यार अच्छा मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम क्योंकि अगर स्टेप लेते हैं तो एक साथ ही वो रातों रात चीज़ें चेंज नहीं होंगी, बट हम एटलीस्ट स्टेप ले सकते हैं कि बच्चों को इतना एजुकेट करें कि आर्ट्स की फील्ड में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, आप अपने फ्यूचर को कितना सिक्योर कर सकते हो आर्ट्स को स्टडी करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे इमेज यही चीज़ बनी हुई है कि आर्ट्स अगर आपने पढ़ा है तो शायद आप सही कमा नहीं सकोगे या आपका आपका जो फ्यूचर है वो सही से आप उसको स्टेबल कर नहीं पाओगे, जबकि ऐसी बात नहीं है। तो वो देखने देखने का नज़रिया है और मैं ये चाहूँगा कि अगर हम बचपन से ही स्कूल टाइम से आर्ट्स की एजुकेशन अगर हम स्कूल में देना स्टार्ट करें तो वो एक अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। सो मुनीब आपका ताल्लुक जो है वो थिएटर की लाइन से है, आप एज ए ट्रेनर एज ए नौजवान से भी वाबस्ता हैं और इसके अलावा भी आपने बहुत से काम किए हुए हैं, सो क्या आपको इस तरह के जब आपने ये लाइन ज्वाइन की तो क्या आपको इस तरह के मैं कहूँगी एक तरह की मुजाहमत एक तरह का जो है इसका सामना करना पड़ा लोगों की बातों का? नहीं आपने कहा ना कि मैंने थिएटर की लाइन ज्वाइन की है तो मैंने कहा यार ये कौन सी ज्योमेट्री है थिएटर, जब मैंने ज्वाइन की तो मुझे थिएटर तो लाइन नहीं लगती, मुझे थिएटर एक कुआं लगता है, नहीं मैं कुएं में गिर गया हूँ और वो कुएं गहराई में जाया जा रहा है। जो आपने तालीमी सिस्टम के हवाले से बात की ना, आप देखें ब्रॉडली स्पीकिंग आर्ट्स का मकसद है, आर्ट ने हमेशा रियलिटी को हमारी हकीकत को एक नए सिरे से एक नए तरीके से एक नए जाविये से इमेजिन करने की सलाहियत पैदा करने के लिए होता है। तो जो हमारा ट्रेडिशनल तालीमी निज़ाम है वो इंडस्ट्रियल मॉडल पे मबनी था कि हमें पता है कि जी ये इंडस्ट्री तय है फैक्ट्री में, उसमें हमें इतने वर्कर दरकार हैं, उन वर्कर से ये स्किल दरकार है और उनको इस स्किल की तालीम दें और उससे एक स्पेसिफिक आउटपुट मिले। तो इसलिए हमारा तालीमी निज़ाम एक वो इंडस्ट्रियल मॉडल पे मबनी है। अब चूंकि टेक्नोलॉजी से और टेक्नोलॉजी के बाद आजकल के हालात आप देख रहे हैं, एक ग्लोबल पैंडेमिक है तो हालात रोज की बुनियाद पे इतने वास्टली इतनी रैपिडली चेंज हो रहे हैं कि अब हमें पता ही नहीं है कि मुस्तकबिल में क्या है या क्या आएगा या मुस्तकबिल की ज़रूरियात स्पेसिफिकली क्या होंगी। 1970 में मेरे वालिद ने अगर इंजीनियरिंग पढ़ी तो उन्हें पता था कि जी वो इंजीनियरिंग करके उनकी एक इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म में यही जॉब लगेगी जिस पे वो 25 साल नौकरी करके एक सिक्योर पेंशन उन्हें मिल जाएगी, उनकी लाइफ बन जाएगी। आज ऐसा नहीं है, ये आज 2020 है, ये 2005 से मैं तो जब से बड़ा हो रहा हूँ मुझे लग रहा है ऐसा है ही नहीं, मैं जो करता हूँ उसके बाद मुझे लगता है यार ये अब इररेलेवेंट हो गया फिर से। तो अब आपकी जो दुनिया है उसमें हमें आर्ट, अगर आर्ट को आप आर्ट का नाम ही ना दो, मैं कहता हूँ आप आर्ट का नाम ही ना दो, उसको आप कुछ और नाम दे दो, उसको आप ऐसा फर्क नहीं पड़ता आप आर्ट को आर्ट कहें, मगर जो आर्टिस्टिक माइंडसेट है जो कि चीज को एक नए तरीके से उसको क्वेश्चन करने उसकी अजम्पशंस पे सवाल उठाने उसको एक्सप्लोर करने का जो मादा है वो है जो कि हमें अपने अंदर लाना होगा। और ये आप देख लें आजकल की सूरत हाल में देख लें
कि जो लोग जो कौमें उस मादे पे जो मादा ये नहीं रखती या एडजस्ट नहीं करती या देर से अडेप्ट करती वो ज्यादा नुकसान उठाएंगी और उठा रही हैं। सिर्फ आजकल की सूरत हाल में देख लें कि जो लोग एडजस्ट करने में जिन्होंने जरा सी देर की वो नुकसान उठा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि सिचुएशन को फौरन से पनपना है फौरन, और जिसमें हमें पता भी नहीं हो क्या रहा है आगे, क्या आगे के तो सोचो अभी नहीं पता अभी क्या हो रहा है, तो फौरन से पनप के सर सर हाथ जोड़ के बैठ के डिस्कस करना, ओपनली उसको सामने से लाना, नए सोल्यूशन ढूंढने की काविश करना, नहीं पता कि सोल्यूशन सही होगा गलत होगा क्या करें, छोटी छोटी चीजों में जिंदगी के हर पहलू में रीएडजस्टमेंट रीइवैल्यूएशन ये है आर्ट का मकसद। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह है एक्चुअली, बात वही होती है कि व्हाइल यू आर इन एनी सिचुएशन, ठीक है ना, हम एक मखसूस पैटर्न जो हमें सिखाया गया है उसी पैटर्न के तहत सोच रहे होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो जो सोच हो रही है क्रिएटिविटी जो होती है दिमाग की जहन की, ठीक है, वो उस तरह से नर्चर नहीं हो पा रही है आजकल, ठीक है। हालांकि हमारे पास बहुत ही काबिल लोग मौजूद हैं, आप जैसे लोग मौजूद हैं जो कि हमें जो है उस नहज पे लेके जा सकते हैं जो कि हमें क्रिएटिवली क्रिटिकली अपने हालात को देखने को समझने और उसको एक्सप्लोर करने में मदद दे, लेकिन हम हमारी शायद अलमिया ये है कि हम इतनी अच्छी रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ये भी हमारे अंदर क्रिएटिविटी की एक कमी है कि हम इतनी अच्छी रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं करना जानते। क्या नफीस क्या कहते हैं आप? नहीं, ये सवाल वापस से रिपीट, मैं बिल्कुल शॉर्ट कर रही हूँ, मैं आपको ये बता रही थी कि हमारे अंदर जो है ये फुकदान हो गया है कि हम ऐसी रिसोर्सेज को जो कि हमें जो है उस नहज पे ले जा सके उस रास्ते पे ले जा सके ना हम अपनी तकनीकी सलाहियतों को इस्तेमाल कर सके, हम ना एक मखसूस ट्रैक पे चल रहे हैं, बस एक लाइन पे चलना है उसी स्ट्रेट लाइन पे चलना है उसी पे, जैसे कि अभी मुनीत ने बताया कि एक मखसूस जॉब करनी है 25 साल वहाँ पे जॉब करनी है, देन इसको सस्पेंड उसके बाद पेंशन लेनी है, देन इसके बाद दैट्स इट, माय लाइफ इज सेटल्ड, राइट, ठीक है, वी आर नॉट एक्सप्लोरिंग एनीथिंग, राइट, मतलब हम वो क्रिएटिवली हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं आप जैसे लोग मौजूद हैं लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे। नहीं, जब भी आप कहते हैं आप जैसे लोग मौजूद हैं मुझे ना अपने ऊपर एक बोझ महसूस होता है यार आप मुझे ही सब, तो आप मुझे बचा दो प्लीज। ओके, मैं आप जैसे लोग भी इस्तेमाल करूंगी, मतलब ये कि क्रिएटिव लोग मौजूद हैं हमारी सोसाइटी में लेकिन हम उन्हें अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम नहीं जानते कि हमें उनकी सलाहियतों तो से किस तरह इस्तेफादा हासिल करना चाहिए। आप इत्तेफाक करते हैं नफीस इस बात से, क्या कहते हैं आप? ओके, हां बिल्कुल नाहिद, मैं एक चीज यहां पे ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो अभी फिलहाल जो कंडीशन चल रही है सिचुएशन पूरी दुनिया में उसमें अगर आप ऑन एवरेज अगर आप देखें तो जहां तक चीजें मैंने नोटिस की है तो अभी दो फील्ड ऐसी हैं जो बहुत एक्टिवली चल रही हैं, जिसमें से एक है डॉक्टर्स और दूसरे हैं आर्टिस्ट। डॉक्टर्स अपनी सारी ड्यूटीज हॉस्पिटल्स में दे रहे हैं और आर्टिस्ट घर बैठे लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं कि ताकि वो बोर घर में बैठे ही बोर ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो, और वो उनको डिफरेंट आइडियाज बता दे रहे हैं कि यार आप घर में बैठ के और ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हो जिससे आपका आपका जो घर का बैठा हुआ टाइम है वो बहुत अच्छे से गुजर चुके। एक दूसरी बात जो चीज मैंने नोटिस की वो ये कि घर में बैठे हुए फैमिली इंगेजमेंट को ज्यादा और अच्छा हो जाए, वो जो इंगेजमेंट अच्छी हो जाए उसके वो अच्छी होने के अच्छी तो नहीं हो रही बनिस्बत उसको और जो है ना वो नेगेटिव वे में जा रही है कि हर एक बंदा घर में बैठ के अपने फोन में लगा हुआ है, यूट्यूब देख रहा है, फेसबुक देख रहा है, वहां पे ऐसा सच कोई इंगेजमेंट नहीं है। तो हम बीइंग आर्टिस्ट हम उनको एक चीज कुछ ऐसी एक्टिविटीज बताते हैं जहाँ पे वो अपने फोन रिसोर्सेस उनको साइट पर रख के
वो एक्टिविटी को परफॉर्म वहाँ पे अपनी फैमिली में बैठ के करे, और उससे ये भी होगा कि आपकी जो मेंटल डिस्टर्बेंस हो गई वो भी आपकी सही रहेगी, और दूसरा ये कि जो आपकी फैमिली इंगेजमेंट है वो ज़्यादा अच्छी होना शुरू हो जाएगी। तो मैं आपने जो पहला सवाल किया था कि स्कूल के टाइम से हमें आर्ट्स के बारे में नहीं बताते, तो इसका यही हल है कि अगर हम स्टार्ट के लेवल से ही बच्चों को आर्ट्स के बारे में बताएं, और जो हमारे टीचर्स हैं वो सिंसियरली बच्चों के साथ वो एजुकेशन को आगे प्रमोट करें, तो इस तरीके की सिचुएशन जहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम क्या करें, वहाँ पे आर्टिस्ट भी सामने आके आपको आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि आपने नफीस जिक्र किया अभी कि अभी जो सूरत हाल चल रही है, अच्छा यहाँ पर ना मैं पिछला जो हमारा सेशन था पिछले वीक, और उसमें हमारे दरमियान डिस्कशन के दौरान यही बातें सामने आई थी, और आज का सेशन हमने इसी वजह से आपके साथ रखा है, आप सबके साथ रखा है, क्योंकि उसमें यही बात इसी बात का जिक्र हो रहा था कि हमारे नौजवान खास तौर से घरों में बंद हैं, उन्होंने अपनी एक्टिविटीज अपना बाहर निकलना महदूद किया हुआ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि घर में रहते हुए वो किस तरह अपने आप को तकनीकी कामों में इन्वॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से कोई क्रिएटिव किस्म की एक्टिविटी वो अपने लिए कर सकते हैं। सो मैं तहमीना से सवाल करूँगी इस हवाले से कि तहमीना, क्या आप इस हवाले से हमें कुछ बता सकते हैं कि हम किस तरह जो है विजुअल आर्ट्स के जरिए, मतलब देखिए ना जाहिर सी बात है मार्केट्स भी ओपन नहीं है, जो मटेरियल इक्विपमेंट वगैरह की जरूरत होती है वो भी मौजूद नहीं है, तो हम किस तरह अपने घर में मौजूद महदूद ज़राओं के जरिए हम जो है कोई क्रिएटिव विजुअल आर्ट्स, कोई ऐसा पोस्टर या कोई ऐसी ड्राइंग या कुछ इस तरह की कोई एक्टिविटी कर सकते हैं कि जिससे जो है हम जो है हमारे नौजवान जो है क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकें और उनके अंदर बोरियत भी ना हो। नाहिद, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। नाहिद, आपने जो इससे पहले नफीस से सवाल किया, मैं उस पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि आपने कहा कि क्रिएटिविटी नर्चर नहीं की जाती, और फिर हमारे पास जब लोग मौजूद है उनको भी हम इतना इंकरेज नहीं करते। ये जो वर्ड आपने यूज किया इंकरेजमेंट का, क्रिएटिविटी हम सबके अंदर मौजूद है। हम छोटे बच्चे को देखते हैं वो बहुत क्रिएटिव होता है, वो नई नई चीजें ट्राई करना चाहता है, वो एक्सप्लोर करना चाहता है। द प्रॉब्लम इज विद द एल्डर जनरेशन, जो कहीं ना कहीं उसको बताती है कि ये ऐसे नहीं करना, ये ऐसे करना है। तो जब आपने ये कह दिया तो फिर वहां पर आपने उसको ये कह दिया कि आप फॉलो करो, आप अपनी तरफ से कुछ लीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहला तो पेरेंट्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की भी नहीं, पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब कुछ नया एक्सप्लोर करना शुरू करे तो वो एक्सप्लोर तो करने दो, जरा सा उसको फौरन से कोई शक्ल देने की जरूरत नहीं है, कोई प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बेहतर हमारे पास, मतलब हम खुद अपनी क्रिएटिविटी नर्चर करेंगे। दूसरा जो आपका सवाल था इस वक्त कि हम इस वक्त को कैसे प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं और कैसे हम कोई ऐसी आर्ट एक्टिविटी कर सकते हैं विजुअल आर्ट को लेकर, तो उसमें यह है कि जो एक्सरसाइज मैं करती हूँ, मैं आपको जेन्युइनली ये बताऊंगी, क्योंकि उसमें आपको मटेरियल ज्यादा नहीं चाहिए। मैं रोजाना सुबह में उठती हूँ, आप किसी भी वक्त ये काम कर सकते हो, और मैंने अपना एक आर्ट जर्नल बनाया हुआ, मेरी एक स्केच बुक है। अच्छा, मैं एक घंटा उस स्केच बुक के साथ बैठती हूँ और अपना एक डायलॉग कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, मे बी ये आप दिन के शुरू में भी कर सकते हो, डे एंड होता है तब भी कर सकते हो। मेरे इर्द गिर्द अगर कोई मटेरियल मौजूद होता है, मैंने कुछ कलेक्ट किया होता है कहीं से, कहीं मुझे कोई पेपर मिला होता है, मैं उससे कोलाज बनाऊंगी, अगर कोई ऐसा थॉट आता है जहन में वो लिख देती हूँ। अगर इस तरह की एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रहोगे, यू विल कम अप विद एन आइडिया। पहले तो जो शुरू करना है ना वो आपने ऐसे करना है। इसके लिए जो एक्सरसाइज मैं कहूंगी इसको, वो जो टीन एज स्टूडेंट है उनको बड़ा एक्साइट करती है, और जो यूथ है उसको बड़ा एक्साइट, को कहते हैं आर्ट जर्नलिंग, कि आप जो है अपना एक जर्नल बनाते हैं। और इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको एक स्केचबुक ही चाहिए, आपके पास कोई पुरानी किताब है जिसमें ऑलरेडी कुछ पेजेस मौजूद है, अगर वो पेजेस ठीक है ठीक नहीं है, आपके न्यूज़पेपर्स, आप अपने बहुत सारे पेजेस कलेक्ट करके एक जर्नल बना सकते हैं, और फिर उस जर्नल पे
डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे कोई ना कोई आर्ट वर्क या कोई एक्टिविटी जो है आप कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट विथ आर्ट जर्नलिंग इज सिंपली रिकॉर्डिंग योर फीलिंग्स, इमोशंस और योर डे. ठीक है, इस वक्त इस मोमेंट पे मैं क्या महसूस कर रही हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ, मुझे कौन सा रंग करने का दिल कर रहा है, मुझे क्या कहना है, मुझे क्या चीज इरिटेट कर रही है, मुझे कैसा महसूस हो रहा है, क्या मेरे पास कोई तस्वीर है जो मुझे बहुत एक्साइट कर रही है, मुझे उसके अराउंड कुछ बनाना है. वो आपकी जो हम बात करते हैं क्रिएटिविटी को नर्चर, वो आपकी क्रिएटिविटी को नर्चर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दूसरा, वो आपकी आपके अंदर के जो इमोशंस है, जो पहला आपका सवाल था कि आप खुद को कैसे जानेंगे, अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो यू विल गेट टू नो योर सेल्फ बेटर. मे बी आपके जज्बात, आपके एहसास, आपके ख्यालात, उसके बारे में आपको पता चलेगा कि अच्छा मैं ये सोच रही थी, अच्छा मैं इस पर, देन यू कैन रीड, यू कैन हैव अ डायलॉग विद इट. ओके, थैंक्स तहमीना, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने ये दिया. ये मैं ज़रूर करूँगी. मेरे पास आर्ट बुक मौजूद है, स्केच बुक. और इफ़ आई रिमेम्बर देयर वाज अ टाइम जब हम एक मुझे साइंसिस की टर्म याद नहीं है, आई थिंक एक जर्नल ही होता था जो हमने डिफरेंट फ्रेंड्स, क्लासमेट्स वगैरह, घर वालों के साथ मिलकर उसे वो फिल करते थे, जिसमें हमारी अपनी अलग अलग पसंद नापसंद के हवाले से कुछ सवालात हो रहे थे और हम उस पर जवाब दे रहे होते थे. कुछ उसमें हम क्रिएटिव अपने काम भी उसके अंदर पेस्ट करते थे. और ये हम एक एक शख्स जो है या एक पर्सन जो है वो जनरल अपने तमाम फ्रेंड्स को सर्कुलेट करता, अपने घर वालों को सर्कुलेट करता, वो उसमें इंक्रीज करते हैं और वो एक बहुत खूबसूरत यादगार एल्बम बन जाती थी. अब वो इतनी मशहूर हुई थी और इट वॉज लाइक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का एक मेमोरेबल टाइप का हमारा एक जर्नल बन जाता था. सो आपने मुझे वही याद दिलाया. बिल्कुल, ये इसी से मिलती जुलती एक्सरसाइज है. बट अगेन मैं यही यूथ को इंकरेज करूंगी कि डोंट फॉलो, लाइक अपना कोई तरीका फाइंड आउट करने की कोशिश करो. मे बी यू लाइक ओनली ब्लैक एंड वाइट थिंग्स. आप उस वक्त उस मोमेंट पे आपको कुछ नया सोचने की भी जरूरत है. उस मोमेंट पे आपको जो फील हो रहा है वो आपने उस मोमेंट पे आपको, अगर आपका लिटरली अगर मेरा कॉफी मैं पी रही हूँ और वो कॉफी गिर जाती है जर्नल पर, तो मैं उसके अराउंड फिर ड्रॉ करना शुरू कर देती कि उस वक्त क्या हुआ, मैं उस टाइम को रिकॉर्ड कर लेती हूँ. एक बात कहूँ, जरूर कॉफी कॉफी गिर जाए तो कॉफी को ड्रॉ करें, मगर पहले कॉफी साफ कर लें कारपेट से ताकि दूसरों को दिक्कत ना हो ना. जी जी मुनीब, ये याद रखूंगी मैं जरूर. अच्छा तहमीना, यहाँ पर ना मैं एक हमारी पार्टिसिपेंट होती है सईदाबाद से, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत पोस्टर बनाया था अभी करंट सिचुएशन के हवाले से, कोविड सिचुएशन जो चल रही है उसके हवाले से. मैं वो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगी, एंड काइंडली उसे ज़रूर देखें. और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, जो भी हम हैं इस वक्त, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ इस काम को, इस बच्ची के इस एफर्ट को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए. वो हमारे फेसबुक पेज पर भी मौजूद है. और ये हमारे फेसबुक पे मौजूद हैं, इस पर ज़रूर कमेंट कीजिए, इसे लाइक कीजिए. आपने इस पोस्टर को देख के आपको क्या महसूस होता है, आपको क्या लगता है कि जो मैसेज देने की कोशिश की है वो सही है, तो काइंडली इस पर ज़रूर अपने राय दें. इतनी चोटों के बावजूद पुरुमीद रहने की कोशिश कर रहा है दुनिया. उसकी आंखों से लग रहा है. बिल्कुल, अब देखो ये भी एक क्रिएटिव तरीके से उसने एक्सप्रेस किया है अपने आप को उस बच्ची ने, कि हम किस तरह से मतलब अर्थ जो है इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी जो है वो अपने आप को हील कर रही है, उसके दिल में एक उम्मीद है एंड ऑल. अच्छा, अब मैं यही सवाल जो है मैं नफीस से करना चाहूँगी, क्योंकि नफीस कुछ अरसे पहले, शायद पिछले हफ्ते की बात है, आपने एक वीडियो हमारे साथ शेयर की थी जिसमें आपने ट्रैश मटेरियल से म्यूजिक बनाया. इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज़बरदस्त. तो मैं ये चाहूँगी कि आप इसके हवाले से हमें थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करें, ताकि जो है हमारे देखने वाले इसको समझ कर शायद उन्हें कुछ किस्म की इंस्पायरेशन मिले और वो कुछ कर सकें इस पर, प्लीज़. ओके,
सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो है वो इंस्ट्रूमेंट होने की समझती है सबसे पहली बात, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये एक मेरे पास इंस्ट्रूमेंट था और इस इंस्ट्रूमेंट का आवाज कुछ ऐसे है और ऐसे ही सेम मैंने इसको, ये छोटी पानी की बोतल थी और इस पे मैंने छोटे छोटे कच्चे मकाई के दाने डाले हुए, अगर आपको दिख रहे हो तो आई होप ठीक है। अब इसको इस ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको मुझे अल्टरनेट करना था इस पे, तो फिर मैंने ये चीज बनाई, इसकी आवाज ये है और इसकी आवाज ये है। ओके, तो अब मैंने सोचा कि जाहिर है ऑनलाइन आप इस तरीके से ड्रम्स की क्लासेस दे तो सकते हैं बट वो इतना अफेक्टिव नहीं होगा जितना हम फेस टू फेस सामने वाले को सिखाते हैं। मैंने ये सोचा कि कोई ऐसे फ्रेजेस बनाते जो याद हो जाए इजीली और वो सेम फ्रेज आपने अपने इंस्ट्रूमेंट पे बजाना है। तो आपने सबसे जो मशहूर हमारा फ्रेज है पाकिस्तान जिंदाबाद, वो तो सबने सुना हुआ है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद को हम बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इसको अगर आप इस ये बजाहिर तो उसकी साउंड आ रही है बट आप जो फ्रेज है उसको दिमाग में रखेंगे तो आप ऐसा ही मैंने एक और वर्ड निकाला था जो था क्वारंटीन, तो क्वारंटीन में भी कुछ हद तक यही है क्वारंटीन 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 क्वारंटीन। अब आप अपने घर पे बैठ के जो भी आपको इजी फ्रेज लगता है आप अपने नाम पे बना सकते हैं, आप किसी वर्ड पे बना सकते हैं, आप कोई बड़ी सी लाइन लेके उसको फ्रेज बना सकते हैं, बस आपने वो फ्रेज को याद करना है और वो सेम चीज आपने वो अपने इंस्ट्रूमेंट पे बजानी। इंस्ट्रूमेंट कैन बी एम्प्टी, कोई भी पानी की बोतल हो गई या बड़े जो गैलन्स होते हैं वो हो गए। अभी मेरे पास सामने एक इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है, ये तो खैर इंस्ट्रूमेंट है ये, तो मैं इस पे थोड़ा सा बजा के दिखा देता हूँ। जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद हो गया तो पाकिस्तान जिंदाबाद, अब इस एक्टिविटी को थोड़ा सा फैमिली में ये एक्टिविटी हो रही हो तो आप इसकी बजाते बजाते इसकी स्पीड को तेज तेज भी आप जो है थोड़ी सी कर लें, फिर थोड़ी आप स्लो कर लें, फिर अचानक से बहुत स्पीड तेज कर लें, तो इसमें आपकी एक एंगेजमेंट भी स्टार्ट हो जाती है अपनी फैमिली के साथ और उस एक्टिविटी में फन भी आना शुरू होता है और ये एक्टिविटी बहुत बेनिफिशियल रहती है कि आप अपनी फैमिली में एंगेजमेंट किस तरीके से बढ़ा सकते हो। तो इसके लिए आपको घर में कोई इंस्ट्रूमेंट होने की जरूरत नहीं है, यू कैन यूज योर किचन के कोई भी स्पून्स वगैरह बर्तन हो गए या आप एम्प्टी पानी की बोतल या गैलन्स को यूज कर सकते हो, आप ऐसे छोटे इंस्ट्रूमेंट बना के आप इसको यूज कर सकते हो, सो इट कैन बी एनीथिंग। अच्छा नफीस, जब आपने भी वीडियो में एक उसका इस्तेमाल भी दिखाया था, एक ऐप का इस्तेमाल भी दिखाया था, एक फोन ऐप का इस्तेमाल दिखाया था जी, वो ऐप का नाम है मेट्रोनोम। मेट्रोनोम बेसिक वीडियो है, उसमें इसके लिए बताया था क्योंकि उस वीडियो का मेरा एंड मकसद ये हमारा ये था कि जब सब अपनी अपनी वीडियोस बना के भेज देंगे तो वो हम बाद में सबकी वीडियो को एडिट करके और एक मेन वीडियो बनाएंगे। इस एक्टिविटी के लिए आपको उस ऐप की नीड नहीं है, वो जो ऐप है उसका असल काम क्या होता है कि जितने भी बंदे बैठे हैं, चाहे एक बैठा हो चाहे 10 लोग बैठे हो, आप जो है वो सब सिंक होके बजाते हो तो उसमें सेम काउंट होती है 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आप जितने भी घर में अफराद बैठे हो तो आपने उन 4 काउंट पे ही बजाना है, तो वो थोड़ा सा टेक्निकल होना शुरू हो जाता है पर वो उस वीडियो के हिसाब से वो उसकी रिक्वायरमेंट थी। जो मैं आपको अभी एक्टिविटी बता रहा हूँ उसके लिए आपको एज सच कोई ऐप की जरूरत नहीं है,
आपने सिर्फ वो फ्रेज याद करने या फ्रेज खुद से बनाने हैं और उस ही फ्रेज को आपने अपने अपने घर के बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट्स पे बजाना। जबरदस्त। अच्छा नफीस, यहाँ पर जो है मैं एक हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं इब्राहिम हैदरी से जिशान, मैं उनकी यहाँ पर एक इट्स काइंड ऑफ लाइक शाउट आउट फॉर हिज वर्क। उन्होंने रैप म्यूजिक पे अवेयरनेस मैसेज दिया है कोरोना COVID-19 के हवाले से। इट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत खूबसूरत काम किया है बच्चे ने। दिस इज जस्ट वेरी, बहुत ही छोटी सी उम्र के हैं लेकिन उन्होंने बहुत प्यारा मैसेज दिया है इस पर। तो मैं आप लोग जितने भी हमारे देखने वाले हैं, हमारे फेसबुक पेज पे वो वीडियो मौजूद है, वो रैप म्यूजिक मौजूद है, काइंडली उसे देखें और बच्चों की जो एफर्ट है उसको अप्रिशिएट करें। अच्छा मैं यहाँ पर अब मैं मुनीब की तरफ आ रही हूँ। मुनीब, तहमीना ने हमें बताया कि हम किस तरह से एक आइडिया दिया है कि आर्ट जनरल कर सकते हैं। नफीस ने बताया कि हम किस तरह से प्रेस मटीरियल के जरिए अपनी फैमिली को लेकर और उनके साथ एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं, म्यूजिक बना सकते हैं डॉल। अब मुझे आप बताएं कि आप किस तरह से हमें बता सकते हैं कि हम लॉकडाउन के दौरान किस तरह एक अपनी क्रिएटिव अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए किस तरह जो है कोई काम एक्टिविटी कर सकते हैं इस तरह की। बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, मकसद ये है कि हम जो भी एक्टिविटी करें, हम एक क्लोज स्पेस में बहुत ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे हैं घरों के अंदर लॉकडाउन में, तो हमारा मकसद है कि हम कनेक्शन बिल्ड करें। तो एक छोटी सी एक्टिविटी है जो कि कोई भी शख्स कर सकता है अपने घर वालों के साथ, एक फन तरीके से कर सकता है। और चूंकि अब रमज़ान भी शुरू हो गया है तो एक उसमें एक और एक्साइटिंग पहलू भी ऐड किया जा सकता है। और वो एक्टिविटी ऐसा, अगर तहमीना और नफीस राज़ी हों और नाहिद आप भी, क्यों नहीं, हम इस वक्त करके भी देख सकते हैं, देखते हैं कि हमारे लिए कैसा एक्सपीरियंस होता है। क्या ख्याल है? अगर आप राज़ी होंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूँगा, वरना चुप हो जाऊँगा। ठीक है, जबरदस्त, रेडी हैं। तो ये है कि आप अफ्तार की तैयारी हो रही होती है घर पे, मजे मजे की चीजें, सिर्फ किचन में ही नहीं, आप जरा घर से भी बाहर निकले, लोग तो नजर नहीं आते मगर पकोड़े समोसों की खुशबुएं जो हो रही है वो महक पूरे मोहल्ले में घूम रही होती है। छत पे जाए वहां पे भी आपको पता लग जाता है कि जुबैदा के यहाँ क्या बना है और शकील के यहाँ क्या बना है। तो इस तरह के मोहल्ले का भी अपडेट रहता है अफ्तार के टाइम। तो ये आप कर सकते हैं कि आपकी खाने की चीजें जब सारी तैयार हो जाएं और टेबल पे या दस्तरखान पे आपने सब सजा लिया हो तो आप फैमिली के इकट्ठे होने का टाइम होता है। आप फैमिली इकट्ठी हो जाए तो एक छोटी सी आप एक आप कह लें स्टोरी टेलिंग की एक फन एक्टिविटी है, उसमें होगा ये कि आपको जुमला दे दिया जाएगा जिससे आपने एक स्टोरी स्टार्ट करनी है, इमेजिनरी स्टोरी आपने मन घड़त बनानी है। अगर आप मन घड़त स्टोरी बना लेंगे तो किसी दिन हो सकता है आपका सियासी करियर भी चमक जाए, तो इसकी बड़ी वैल्यू है। तो आपने एक एक सेंटेंस से स्टोरी शुरू करनी है, वो मैं सेंटेंस बता रहा हूँ क्या है। वो सेंटेंस है, मैंने जब फ्रिज खोला तो डैश, यहां से आपकी स्टोरी शुरू हो रही है, ठीक है। मैंने जब फ्रिज खोला तो डैश, और आपने अगले, ये नहीं आप टाइम करेंगे, अगले 90 सेकंड तक आपने ये स्टोरी को कंटिन्यू करना है एक शर्त के साथ। शर्त ये कि आपने 90 सेकंड जो आप बोलेंगे स्टोरी, उसमें आपने किसी खाने की चीज का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। आपने पकोड़े समोसे फ्रूट चाट ये आप किसी खाने की चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो आप वहीं पे कट हो जाएंगे, ठीक है। मुनीप, हाँ ओके मुनीप, एक कोई छोटी सी एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे मैंने फ्रिज खोला, अगर मैं ये कंटिन्यू करता हूँ कि मैंने फ्रिज खोला तो मैंने देखा कि मेरा फ्रिज बंद है। हाँ तो आप यहीं से कंटिन्यू करना, जो भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर आपने किसी खाने की चीज का इस्तेमाल नहीं करना। और बहुत तेज हो तुम नफीस, उसका फ्रिज ही बंद है। मैंने फ्रिज खोला तो मुझे पता लगा मेरे घर में तो एक हफ्ते से फाके चल रहे हैं। खाना क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं,
हम तो सिर्फ मेडिटेशन हम मेडिटेशन करते हैं, सिर्फ सांस लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इसी तरह जिंदा है। बहुत तेज, बहुत अच्छे नफीस, तुमसे ही स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। मगर अब ये वाला नहीं यूज, ये चीटिंग होगी, ये नहीं यूज कर सकते कि मैंने फ्रिज खोला तो मैंने फ्रिज बंद कर दिया। भाई इतने एम्बिगुअस क्यों, मेक अप योर माइंड यार, खोल के बंद कर रहे हैं, सारी ठंडी हवा अंदर से बाहर आ गई, बिजली जाया कर रहे हो, पहले हालात तुम्हें पता, ठीक। तो नफीस सबको क्लियर है, सबको सब, नहीं आप टाइमर कर सकती हैं, टाइम कर सकती हैं इसको, ठीक है। और आपने ट्रैक रखना कि कौन कितनी देर तक चलता है, ठीक है। चले नफीस आपसे स्टार्ट लेंगे और आप शुरू करेंगे, मैं जब दस्तरखान पे बैठा तो डैश स्टार्ट। ओके, मैं जब दस्तरखान पे बैठा तो मेरे दोस्त का फोन आ गया। मैंने उसका फोन उठाया तो उसने बोला भाई आज इफ्तार का टाइम क्या है। तो मैंने उसको उसका इफ्तार का टाइम बताया। टाइम बताते बताते मेरी मम्मी मेरे पास आई और मुझे बोली कि खा लो। तो वो मैंने खाते खाते सोचा कि यार अच्छा यार ये अम्मा ने अच्छी चीज बनाई है। और मैं अपने फैमिली के ग्रुप में शेयर करता हूँ और मैं अपनी फैमिली को बोलता हूँ कि ये चीज बना के दिखाओ। फिर उस ग्रुप से वो वाला ग्रुप है उससे मेरी कजन ने मुझे बोला कि यार ये तो मैंने कभी चीज खाई नहीं है, ये है क्या। उसके बाद मेरी मामी ने उसको रिप्लाई किया कि बेटा ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा जब कुछ नहीं होता तो ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन होता है, ये इजी टू मेक है। तो मेरी कजन ने बोला ओके मुझे इसकी रेसिपी दो। फिर वहां से बातें चलती गई चलती गई चलती गई और फिर मैं सोचा कि अब क्योंकि मेरे पास मैं उस वक्त 8 बज चुके थे और फिर मैंने बोला यार मुझे 8:30 बजे लाइव आना है। तो फिर मैंने सोचा कि ग्रुप से थोड़ा सा हटके मैं व्हाट्सएप के दूसरे वाले ग्रुप में आता हूँ जहाँ पे एक लाइव का ग्रुप बना हुआ था। फिर हमने बात किया उसमें और हम 8:30 तक लाइव आ गए। लाइव पे आते आते हमने फिर एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट के ऊपर बात की और ये एक्टिविटी शुरू की। मुदीप ने एक एक्टिविटी शुरू कर दी कि आपने एक ऐसी चीज कंटिन्यू करनी है कि दस्तरखान पे बैठ के फिर आपने ये चीज वापस से डिस्कस की। और लकीली देखो जो चीज मैंने डिस्कस की वो ही चीज आपने यहाँ पे लाइव सेशन में लेकर आए, तो ये एक बड़ी एक अच्छी बात है। और देखते ही और चीजें देखते ही देखते मतलब इतनी अच्छी लगने लगी कि आप लोग तीनों तालियां बजाना लग गए। नहीं नहीं बहुत बहुत मजे का। आई थिंक टाइम भी अप हो गया होगा। नहीं तहमीना इसमें ये कि बस हम दुआ करते हैं। नहीं नहीं आप कंटिन्यू करेंगी नफीस। अच्छा। बस दुआ करते हैं कि तुम्हें पता नहीं तुमने क्या खाया है, पूरे खानदान वालों ने भी को भी तुमने खिला दिया। अब अल्लाह ही खैर करे कल क्या होगा तुम्हारे साथ। क्योंकि मुझे तो डॉक्टरों ने हमेशा कहा है कि अगर आपको नहीं पता कि आप क्या खा रहे हैं तो उससे पेट खराब होने का खतरा बहुत होता है। तो गुड लक तहमीना आपके साथ। हाँ जी तहमीना मुझे यही से कंटिन्यू करना है या मुझे नया, मैं इससे बेहतर तो नहीं कर पाऊंगी। नहीं नहीं अच्छा देखें दिस इज इट्स नॉट कंपटीशन जस्ट फन। तो आप शुरू करें यहीं से। मैं दस्तरखान पे बैठी तो मुझे उल्टी सा महसूस होने लग गया। तो मैंने सोचा कि मुझे इस वक्त खाना नहीं चाहिए। मैं दस्तरखान से उठ गई और फिर अपने कमरे में जाके बैठी। अपने कमरे में जब मैं जाकर बैठी तो मेरी दोस्त का फोन आया। मेरा दिल नहीं किया कि उससे बात करूं मगर उसने बार बार फोन किया, दोबारा फोन किया। मैंने सोचा बात कर ही लेते। मैंने उससे बात की। जब मैंने उससे बात की तो उसने बताया कि उसके यहाँ लड़का हुआ है। ये बात सुन के मैं बहुत खुश हो गई और फिर मैंने उसे मुबारकबाद दी। मैंने ये खबर अम्मी को सुनाई, मैंने ये खबर अबू को सुनाई, मैंने बहन को सुनाई, मैंने सबको ये बात बताई। उन सब ने कहा कि अब मुंह मीठा कराए।
मैंने कहा कि रोजा है सबका, कुछ नहीं खाना, बस इससे बेहतर नहीं कर पाऊंगी मैं। ठीक है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यस, ग्रेट ग्रेट। हाँ, एक लड्डू तो बनता है कम से कम यार, लड़का हुआ है। नहीं, हम कोई ताशुब नहीं कर रहे, बच्चा हुआ है, कुछ लड्डू तो होता है कम से कम। जी जी ठीक है, नहीं आप करेंगी? आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं बिल्कुल करती हूँ मुनीब, लेकिन इस वक्त हमारा जो सेशन का टाइम है वो तकरीबन ख़त्म होने को है, और मैं ये चाहूंगी कि हमारे देखने वाले, जी कुछ कह रहे हैं, मजा आने लगा तो आप जा रहे हैं, यही ट्रेजेडी बस यही होता है, जब मजा सही माने में लुत्फंदोज होना शुरू होता है तो पता लगता है कि प्रोग्राम का टाइम खत्म होने जा रहा है। मैं एक आखिरी बात कहूंगा, एक आखिरी बात कहूंगा कि ये इस एक्टिविटी में ज्यादा सस्पेंस और ज्यादा मजा और होगा अगर आप ये फैमिली के साथ अफ्तार के टाइम, जब पूरे आपके खाने की मेज सजी हुई होगी उस टाइम पर करेंगे तो इसका मजा और ज्यादा हो सकता है, और उस पर आप इनाम भी रख सकते हैं कि जो सबसे अच्छी स्टोरी सुनाता है या जो सबसे ज्यादा देर तक बगैर खाने की चीज का मेंशन किए हुए स्टोरी सुनाता है तो उसके लिए दो एक्स्ट्रा समोसे या एक एक एक्स्ट्रा जलेबी, तो आप इस तरह का इनाम भी रख सकते हैं। इसी तरह के छोटे छोटे फन क्रिएट कर सकते हैं आप घर के एनवायरनमेंट में। मुझे यहाँ पे एक बात ऐड ऑन करनी है, वो ऐड ऑन ये करनी है कि जो अभी मुनीब ने एक्टिविटी बताई, तो मेरे मेरे हिसाब से आर्ट्स की जो फील्ड है वो आप जो स्कूल की टाइमिंग होती है ना 8 से लेके 2 बजे तक, जिसमें आप उनको बाकी के सब्जेक्ट आप सिखा रहे हो, तो आर्ट्स को सिखाने की 8 से लेके 2 बजे तक की टाइमिंग कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। यही एक्टिविटी अगर आप घर में भी करते रहोगे, जैसे हम घर पे होमवर्क कर रहे होते हैं, वैसे ही अगर आप अगर किसी कहीं भी जा रहे हैं और आपने अपने बच्चे को बोला कि यार ओके वहां पे गाड़ी खड़ी भी थी, अब आपने वो एक सीन देख लिया, अब आप अपने तरीके से अपनी स्टोरी बनाओ, हम निकल गए वहां से, तो वहां से आहिस्ते आहिस्ते बच्चों के अंदर एक स्किल सेट स्किल डेवलप होना शुरू हो जाती है, और वहां से वंस जब वो अबव 10-12 आता है तो उसका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी, और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हम घर में बैठे ही अपने बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं, जिससे सिर्फ ये होगा कि आपका टाइम भी बहुत अच्छा गुजर जाएगा और आपकी स्किल्स भी डेवलप होती रहेंगी। बिल्कुल, मैं यहाँ पे इतफाक करूंगी नफीस आपकी बात से कि ये सिर्फ उस्ताद का है क्या, हमारे तालीमी निज़ाम की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमारे बच्चों में जो है उनकी क्रिएटिव सलाहियतों को उभारें, बल्कि हम घर में भी रहते हुए उन्हें मुख्तलिफ इस तरह की उन्हें इंस्पायरेशन दे सकते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो उन्हें इंस्पायरेशन दे सकते हैं कि वो कुछ क्रिएटिव कुछ चीज़ों क्रिटिकली देखें, उनके बारे में कुछ इजहार करें। लेट्स से कि आपने बाहर कोई चीज़ ऐसी देखी है, लेट्स से आपने बाहर जो है दो बिल्लियाँ देखी हैं जो कि इधर से घूम रही थी, आप पूछ सकते हैं भाई ये बिल्लियाँ तुम्हें कैसी लगी हैं, उनका रंग कैसा था, तुम्हें याद है, तो मतलब ये कि एक तरह से एक मेमोरी एनहेंस करना, फिर क्या तुम इसको ड्रॉ कर सकते हो या तुम इसके ऊपर कोई मजमून लिख सकते हो, क्योंकि लिखना भी एक तरह एक जो है वो फनून लतीफ़ा में से एक है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम बच्चों में इस तरह की इंस्पायरेशन इस तरह की मोटिवेशन पैदा करें तो ये सिर्फ उस्ताद की या तालीमी निज़ाम की जिम्मेदारी नहीं होती, ये हमें घर में भी अपने बच्चों को इस तरह की तरबियत देनी चाहिए ताकि वो जो है उनकी नर्चरिंग हो सके इस तरह की, कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जो है उसको सोच सकते हैं इस हवाले से। उस पर मुझे एक बड़ी खूबसूरत मूवी याद आई है, इसमें जो वो एक औरत ही होती थी और उसके साथ 3 उसकी कंपेनियंस थे, विजिट ऑफ ऑज, वो सबसे मेरी फेवरेट मूवी थी, और उसमें बड़े ही क्रिएटिव अंदाज में जो है एक बहुत ही खूबसूरत इमेजिनेटिव किस्म की दुनिया दिखाई गई थी। मैं समझती हूँ कि और तमाम चीज़ें बिल्कुल अलग, यानी कि हम जो एक 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 जो नॉर्मलाइज किस्म की चीज़ें होती हैं कि दरख्त ऐसा होना चाहिए तो घर ऐसे होने चाहिए तो लोग जो है वो ज़मीन पर चल रहे हों हवा में कोई, तो ये हमारे एक नॉर्मलाइज किस्म की हमारी थॉट होती है ना, हम इससे बाहर नहीं सोच रहे होते, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल बरक्स उसमें दिखाई गई थी। इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल मूवी। एनी वेज वी हैव 10 मिनट्स,
उसके बाद जो हमारा सेशन जो है वो अख्ताम हो जाएगा उसका। तो अभी तो आपने बोला कि टाइम खत्म हो गया। नहीं नहीं टाइम खत्म होने वाला है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हमें हमारे जो देखने वाले हैं अगर उनके पास आपसे पूछने के लिए कुछ सवालात हैं तो वो हम उनको भी एंटरटेन कर सकें। श्योर। तो दोस्तों अगर आपके जहन में कोई सवाल है, अगर आप करना चाहते हैं हमारे स्पीकर से, हमारे मेहमानों से, तो प्लीज अपने अपने सवालात जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम उनके जवाब दे सकें। इसमें और भी इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशंस हो सकती हैं नफीस, जैसे स्टोरी टेलिंग है, तो स्टोरी टेलिंग के साथ स्टोरी को जहां सिर्फ बयान किया जा सकता है उसको पेंटिंग से भी डिपिक्ट किया जा सकता है। फिर जैसे ओपराज होते हैं, ओपरा जो होता है वो पूरी कहानी एक सॉन्ग की सूरत में होती है, म्यूजिक फॉर्म में होती है, तो कोई भी स्टोरी हो उसको आप म्यूजिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन के बहुत से मीडियम्स हैं। इससे हम एक और भी चीज कर सकते हैं, वो ये कि जैसे आपने एक सेंटेंस दिया कि मैंने फ्रिज खोला, सही, जब मैंने फ्रिज का दरवाजा खोला, फिर आपने वहां पे एक लिमिटेशन डाल दी कि आपने अब आगे जितनी भी स्टोरी को कंटिन्यू रखना है उसमें आपके राइमिंग वर्ड्स होना लाजमी है। ये भी हो सकता है, ये भी मतलब ये छोटी छोटी ये छोटी छोटी बेसिक सी आपकी चीजें होती है जिससे आपका सोचने का तरीका, आपका जो माइंडसेट है वो खुलना शुरू हो जाता है। मैंने फ्रिज खोला, पीछे से अब्बू ने बोला, ये बोला तुमने तुमने भाई को क्यों छोड़ा, मैंने मैं इसलिए इस जब मैंने फ्रिज का दरवाजा खोला तो मैंने अपनी अम्मी को बोला मैंने अपनी कमीज को धोला जिसकी वजह से मैं भूल गया कि भाई भाई को लाना था लेकिन तुमने फ्रिज खोला क्योंकि तुमने कुछ खाना था। नहीं क्योंकि मुझे भूख मिटानी थी, फिर मुझे दफ्तर जाना था, मगर कैसे जाऊं अभी तो लॉकडाउन है, मेरी स्किन का कलर ब्राउन है। ये स्टोरी रेसिस्ट नहीं, ये स्टोरी रेसिस्ट नहीं, इसकी कोई बेसिस नहीं। अच्छा मतलब मेरे पास एक आइडिया है, इसकी डिजिटल स्टोरी बन सकती है, इसी तरह से पिक्चर बने और फिर पीछे रिकॉर्ड कर सकते हैं हम, कोई भी अपनी आवाज वॉइस रिकॉर्ड करके उसके साथ चला सकते हैं, बहुत अच्छी खूबसूरत डिजिटल स्टोरी बन सकते हैं। एंड दिस इज आल्सो अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, लाइक डिजिटली भी आजकल ये ज्यादा बेहतर है, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए आपको मटेरियल चाहिए। दिस इज इंटरेस्टिंग, डिजिटल इज द न्यू नॉर्मल। या नहीं, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर जैसे ये एक्टिविटी, क्योंकि हमने ये बहुत इंटरैक्टिव एक्टिविटी मुनीत के साथ इस वक्त की, और क्योंकि एक्टिविटी करने से ही हमारा हम सबका मूड कितना बेहतर हो गया। एक हम बहुत ज्यादा जिस तरह पहले बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन मैं शायद कुछ देर के लिए भूल गई कि हम एक्चुअली लाइव है। तो हमारा मूड इतना अपलिफ्ट हो गया, और जैसे ही मजा आने लगा कि टाइम खत्म हो गया, हमने कहा नहीं यार क्यों खत्म हो गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मेंटल वेलबींग के लिए, और आपकी बॉन्डिंग भी बेहतर होती है, लेकिन आपके अपने मेंटल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा होता है। ये तो तब पता लगेगा कि बिल्कुल शहरी में कितना खाएंगे। अच्छा यहाँ पर जो है ना एक पॉइंट जो अभी नफीस और मुनीब ने भी किया कि things are going digitized now, सही है, चीज़ें जो है अब ज़्यादा डिजिटाइज होंगी, और क्योंकि जाहिर सी बात है we have to practice social distancing, और अब जो है हो सकता है कई माह तक जो है हम उस तरह से लोगों का आपस में मिलना जुलना, एक साथ कोई मिलके कोई एक्टिविटी इस तरह से करना, लाइक अभी तो हम चार लोग जो हैं
यहाँ बैठे हैं, ऑनलाइन बैठे हुए हैं, लेकिन हम शायद एक साथ मिल करके ये काम ना कर सके इस तरह से, क्योंकि डेफिनेटली वी हैव टू लाइक प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग, राइट? सो अब जो है वो डिजिटाइज हो गई है चीजें. तो लेट्स जस्ट, मैं अभी यहाँ पर सबसे यही बात करना चाहूंगी कि अपने आप को लिमिट ना करें. जिस तरह से राइट नाउ हम चारों का इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा है ओवरऑल पिछले एक साल से, वी नो ईच अदर, हमने थोड़ा बहुत काम किया है, बट अभी राइट नाउ जब हम लोग सब एक साथ बैठे हैं तो हमें ऐसा महसूस हुआ ये इंटरेक्टिव एक्टिविटी करते हुए कि हम लोग एक दूसरे को बरसों से जानते हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं. ये सिर्फ एक घंटे की एक छोटी सी जो है एक्टिविटी से हमारे जो है हमारे अंदर इस तरह के एहसास पैदा हुए हैं कि हम एक दूसरे को जानते हैं, हम नए दोस्त बना सकते हैं. तो नए दोस्त बनाने का जो सिलसिला है उसे ना खत्म होने दें, सिर्फ इसलिए कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, सिर्फ इसलिए कि हम कॉलेज नहीं जा सकते, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, स्कूल नहीं जा सकते, सिर्फ इसलिए कि हम मार्केट्स नहीं जा सकते. चीजें डिजिटाइज्ड हो चुकी हैं, हम डिजिटल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स मौजूद हैं, हम इसी तरह से बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं ऑनलाइन बैठकर अपने दोस्तों के साथ, नए लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं और नए नेटवर्क बना सकते हैं. हमारी जिंदगियां खत्म नहीं हुई हैं, हमारी जिंदगियां महदूद नहीं हुई हैं, बल्कि हमें क्रिएटिवली हमें सोचना होगा कि हम इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. तो दोस्तों एक बात कहूंगा, बस एक बात कहूंगा कि चीजें बेशक डिजिटाइज हो गई हैं, हर चीज डिजिटल हो गई है, डिजिटल को सिर्फ अपना मीडियम रखें, अपने दिल और रूह को डिजिटल ना कर दें, इस बात का भी ख्याल रखें, क्योंकि फिर डिजिटल आप पे हावी हो जाएगा, आपको ना अपना आप मैट्रिक्स की तरह ना लगने लगे कि एवरीथिंग इज जीरो एंड वन, एवरीथिंग इज अ सिग्नल, उसको माइंडलेसली कंज्यूम ना करें डिजिटल को, क्योंकि ये ऐसा वक्त है जिसमें आपको अपने आप से कनेक्ट होके फिर दूसरे इंसानों से कनेक्ट करने की पहले से बहुत ज्यादा जरूरत है. हमारे एक ऑडियंस ने एक बड़ा ही खूबसूरत पैगाम भेजा. इट्स बेसिकली अ फिजिकल डिस्टेंस रादर देन सोशल डिस्टेंस. वी कैन बी सोशल इन दिस पेंडेमिक. ऑफ कोर्स असद जैदी, बिल्कुल आपके बात से टोटली इत्तफाक करेंगे कि वाकई में ये फिजिकल डिस्टेंसेस हैं. जिस तरह का आज हमने एक सेशन किया और लाइक बीइंग विद यू गाइस, तहमीना, मुनीब, नफीस, बहुत मुझे मजा आया आप लोगों के साथ सेशन करने में. सो हम अब मेरे ख्याल से कि अब ऐसा नहीं होगा कि हम जो है आज के बाद जो है एक दूसरे से कभी बात नहीं करेंगे. वी विल बी लाइक कंटिन्यू. हो सकता है हम कोई बहुत ही जबरदस्त क्रिएटिव काम करें, कोई और सब बहुत प्यारी सी कोई अच्छी सी चीज हम खुद मिलकर के एक क्रिएट करें. तो हम ये कांटेक्ट खत्म ना करेंगे बल्कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे. सही नहीं, हमारे कोई आपस में नाराजगी इस हवाले से थोड़ी है, तुम कुछ कहना चाहोगे प्लीज? बट वही बात, बिल्कुल बिल्कुल बात ना करें. एक चीज होती है ना कि फॉर्मल किस्म का तो नहीं रहेगा हमारा, क्योंकि आज की बात तो लगता है कि आई थिंक कि इट इज हमने जो सेशन किया आज हमारों के लिए बहुत अच्छी चीज रही है. मुझे अंदाजा हुआ कि इतने अच्छे, इतने फनी, इतने क्रिएटिव किस्म के लोग हमारी टीम में मौजूद हैं और वी ऑल कैन बी फ्रेंड्स, राइट? और ना ही एक और ऐसे ये एंड करने से पहले ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे ये नफीस, आपको कोई मैसेज है हमारे लिए, हमारे देखने वालों के लिए? ओके, आपने जो बात की कि लिमिटेशंस है, तो पता नहीं ये बात मुझे हमेशा से ऐसा महसूस होता है कि जहां लिमिटेशंस होती है वहां से आप एक ऑल्टरनेटिव वे निकालते हैं, एंड दैट इज द क्रिएटिव पार्ट. क्योंकि आप कुछ नया सोचने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास यही है, अब मैं ये नहीं कर सकता. जैसे मुनीब ने कहा, जैसे वो एक्सरसाइज के अंदर था कि ये आपकी लिमिटेशन है, ये आप यूज नहीं कर सकते, खाने का नाम नहीं ले सकते, तो हमने स्टोरी को और इंटरेस्टिंग तरीके से सोचना शुरू किया. अगर कहा था, कहते कि नॉर्मल आपको स्टोरी सुनानी है, यहाँ से कंटिन्यू करना है, तो शायद ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है बहुत रेगुलर सी होती, हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे होते एक दिन को. लेकिन जैसे ही मुनीब ने कहा कि ये लिमिटेशन है, तो हमने रिपोर्टिंग वाला अपना एस्पेक्ट साइड में करके वी स्टार्टेड इमेजिनिंग, एंड दिस इज क्रिएटिव थिंकिंग, दिस इज एक्सप्रेसिव थिंकिंग. या बिल्कुल
बिल्कुल आई एग्री. वो अभी पता नहीं लग रहा था कि हम नफीस कुछ सोच रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं. एक्चुअली नेटवर्क का इशू है. नहीं आवाज नहीं आ रही नफीस की. हाँ सोच नहीं आता मुझे. हाँ क्या हमारी ये कन्वर्स या हमारी थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है. थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है. सो नफीस हेलो. आ रही आवाज. नफीस रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है. मैं ये कहना चाह रहा था कि तहमीना ने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ पे हम लिमिटेशंस लगाते हैं वहाँ से ही क्रिएटिव आइडियाज आना शुरू होते हैं. और यही क्रिएटिव आइडिया हमारे एक देखने वाले पूछ रहे हैं, नवीद ख्याल साहब हमसे पूछ रहे हैं. जी 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 बोले. वो सब एक साथ खामोश हो जाते हैं तो पता नहीं लगता ये नेटवर्क का इशू है या सब एक साथ इत्तेकाफ में चले गए. नहीं मुझे लगता है मुनीब ये हो रहा है कि कुछ जैसे टाइमिंग जब हम कह देते हैं ना ही कुछ कुछ नफीस जी प्लीज कंटिन्यू. यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा ये नाहिद का इंटरनेट का प्रॉब्लम है कि मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम है दोनों का. तो मैं भी कह रही यही कह रहा था तहमीना की बात को सेकंड करना था मुझे कि जहाँ पे आप लिमिटेशंस लगाते हो ना वहाँ पे ही आपके क्रिएटिव आइडियाज आना शुरू होते हैं कि यार अब मेरे पास ये नहीं है और मेरी ये लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए मैं अपनी क्रिएटिविटी कैसे दिखा सकता हूँ. मैं अभी अपने ड्रम्स वाले रूम में नहीं हूँ. वहाँ पे मुझे अपने ड्रम्स के लिए लाइट जो है ना वो बनानी थी. तो मैंने घर में रहते ही मेरे पास जो भी स्क्रैप की स्क्रैप का सामान था तो वो सारी चीजें जो है ना वो यूज करते हुए मैंने अपने लिए ड्रम्स की लाइट लगाई, लाइट बनाई पहले. और वो एक इतनी अच्छी एक्टिविटी रही जहाँ पे मेरे घर वाले सारे इंगेज्ड रहे और बैठे ही बैठे 3 घंटे निकल गए और पता ही नहीं चला और लाइट भी बन गई. जबरदस्त. अच्छा दोस्तों अब ऐसा है कि हमारे सेशन का टाइम ख़त्म हो चुका है और लोगों हमने ऑडियंस से कहा था कि अपने सवालात दें लेकिन इनके पास एक ही सवाल आया था. सवाल नहीं वो कमेंट था. सो थैंक यू वेरी मच तहमीना मुनीब नफीस आप लोगों के आने का या दिस अगेन और थैंक यू फॉर योर टाइम. आप लोगों के और बहुत जब मज़ा आया और उम्मीद है कि हम आगे भी एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखेंगे. थैंक यू सो मच. जरूर जरूर. प्लेजर. गॉड ब्लेस.